सो क्यों नहीं शुरू करते हैं। इसके पहले जो सीन्स देखे आपने वो मैं मॉल में शूट कर रहा था जहाँ पे मेरी बैटरी खत्म हो गई, तो वहाँ पे आधा Q&A शूट हुआ है और आधा Q&A अभी घर पे शूट होगा, तो आपको मिक्स दिखेगा सब, आधे सवाल यहाँ, कुछ सवाल वहाँ, कुछ सवाल यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहला सवाल 3K स्पेशल है, तो 3K वाला सवाल। तो पहला सवाल के रिएक्शन ऑफ योर पेरेंट्स फॉर गेटिंग 3K सब्सक्राइबर्स। आई रियली डोंट नो, मेरे पेरेंट्स को पता भी है यानी कि मेरे 3K हुए हैं, क्योंकि जब भी मैं बात करता हूँ घर पे फ़ोन पे तो हम लोग काम के बारे में थोड़ी कम ही बात करते हैं और नॉर्मल बातें ज़्यादा होती हैं, और काम के बारे में ज़्यादा बात तब होती है जब हम साथ में बैठते हैं और साथ में बैठ के बातें होती है थोड़ी बहुत, और मेरे को मेरे पेरेंट्स के साथ बैठे हो रहे कुछ 6 महीने, तो रिएक्शन का पता नहीं। एक्चुअली बुआ बहुत खुश हुई थी जिस दिन हुए मेरे, शाम को मैं बुआ को बोला बुआ 3K हो गए, तो बुआ वाज लाइक शी वाज हैप्पी। सवाल, शादी भैया शादी कब करोगे? ऐसे दो तीन सवाल है, शादी कब करोगे? देखो भाई ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर ज़िंदगी अच्छी चली तो कभी नहीं, कभी नहीं। और ऐसा नहीं कि मैं शादी से नफरत है, मेरे को मन ही नहीं है भाई करने का, और दूसरी बात ऐसा क्या ही अलग हो जाएगा शादी करके जो अभी नहीं हो रहा है। अगला सवाल, व्हाट पिसेस यू ऑफ, व्हाट पिसेस मी ऑफ, बहुत सारी चीज़ें हैं बट एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरे को ना जो लोग झूठ बोलते हैं या जो लोग फेक बनते हैं मेरे को उनसे थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है ज़िंदगी में। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप किसी एक फ्रेंड से साल भर के बाद मिल रहे हो, ठीक है, और वो आके ऐसे मिल रहा है कि भाई कहाँ था इतने दिन, आई मिस यू यार, कैसा है तू, बहुत याद आती है तेरी, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन वो टाइम पे मेरा हो जाता है दिमाग ख़राब। ये सारी चीज़ें लोगों को पसंद आती होंगी पर मेरा स्पेशली दिमाग ख़राब हो जाता है वो टाइम पे, और मैं ऐसे हो जाता हूँ कि भाई तेरे पास फ़ोन है, मेरे पास भी फ़ोन है, तेरे फ़ोन में भी मेरा नंबर है, मेरे फ़ोन में भी तेरा नंबर है, तेरे को अगर इतनी याद आई तूने कॉल क्यों नहीं करा, मैं तो उठाता ना, और अभी इतना लाड़ करने की ज़रूरत क्या है। फेवरेट यूट्यूबर फ्रॉम चंद्रपुर, ये सवाल पूछा है मिस्टर ऋषभ खाड़े ने, जो खुद भी एक यूट्यूबर है, शायद इसी आस में पूछा है कि मैं उनका नाम लूँगा, तो हाँ भाई यू आर माई फेवरेट यूट्यूबर फ्रॉम चंद्रपुर, बस खुश। बट डीप इनसाइड यू एंड एवरीबडी एल्स नोज के हु इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट फेवरेट यूट्यूबर फ्रॉम चंद्रपुर, राइट? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बस सबको पता है हु इज़ द मोस्ट फेवरेट, राइट? ब्लॉगिंग के लिए कौन सा कैमरा और माइक यूज़ करते हो? ये क्वेश्चन मेरे को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई ब्लॉगिंग के लिए कौन सा कैमरा और माइक यूज़ करते हैं। मेरे पास कैमरा है 200D Mark II और माइक है वीडियो माइक गो रोड का। तो आप जो सवाल पूछ रहे हो, जैसे जिनके दिमाग में सवाल आता है कैमरा माइक कौन सा है, हम भी ये लेंगे, हम भी व्लॉगिंग शुरू करेंगे तो ये लेंगे, तो बेटा ऐसा नहीं है। ये मेरी भी मिसकंसेप्शन थी जो अभी आगे क्लियर हो गई इतने महीनों के बाद, कि आपके पास कैमरा कौन सा है मैटर करता नहीं है, ऑल यू नीड इज़ अ फ़ोन विद अ गुड कैमरा, दैट इज़ इट। दूसरी बात रही इक्विपमेंट की, कैमरा और माइक की, तो यू विल नेवर गेट सेटिस्फाइड विद द कैमरा एंड माइक यू यूज़, ठीक है? अब मेरे पास जो है मैं नहीं हूँ उससे सेटिस्फाइड, मेरे दिमाग में ये कि आगे जाके मैं वो खरीदूँगा, वो खरीदने के बाद भी शायद जो नई चीज़ आएंगी उसके बाद उसके पीछे भागूँगा, तो इट्स नॉट अबाउट दैट। कैमरा माइक इक्विपमेंट से आपका क्वालिटी अच्छा हो सकता है वीडियो का, आपका कंटेंट नहीं, लोग आपका कंटेंट देखने आते हैं, क्वालिटी नहीं। चाहे आपका क्वालिटी कितना ही बेहतरीन क्यों ना हो, अगर एट द एंड ऑफ द डे आपका कंटेंट शिट है तो ऑडियंस नहीं आएंगी देखने। भाई आई एम रोशी यूट्यूबर फ्रॉम चंद्रपुर, कैन वी चेंज कोलैबोरेट? लुक, किस्मत अच्छी रही, काम अच्छा रहा, चीज़ें मैच कर गई, तो वी कैन कोलैबोरेट इफ यू वांट, और आई वोंट माइंड कोलैबोरेटिंग विथ यू। अगर आपका कुछ अच्छा हो रहा है उससे या आपको कोई फ़ायदा हो रहा है उससे, मैं बिल्कुल कोलैबोरेट करने होती यार। वो मेरे इंस्टाग्राम बायो में एक चीज़ लिखी हुई है, लिफ्ट योरसेल्फ सो यू कैन लिफ्ट अदर्स, उसका कुछ मतलब है मेरे लाइफ में, इसलिए लिखा है मैंने, तो आई वोंट माइंड कोलैबोरेटिंग विथ यू। दो क्वेश्चन है, एक एजुकेशन और एक आपने अपनी एजुकेशन कहाँ कहाँ पर कौन कौन से कॉलेज में कम्प्लीट किया है। मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है सोमैया पॉलिटेक्निक चंद्रपुर से, उसके बाद में बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर से, ऑटोनॉमस वाला जो है, और परसेंट भी थोड़े बहुत एवरेज ही है, 7.62 CGPA था मेरा, और
ठीक ही सा था भाई सब कुछ। अभी जाऊंगा मैं डिग्री लेने, डिग्री आके पढ़ी है कॉलेज में, तो जब यहाँ से जाऊंगा वापस और लॉकडाउन वॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो कॉलेज भी जाऊंगा, उस दिन ब्लॉग भी करूंगा, तो उस दिन देख लेना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम ब्लॉगिंग करते तो तुम्हारा कैमरा कौन पकड़ता कुछ कुछ सीन में, बुआ या तुम्हारा कोई पर्सनल बंदा है? देखो यार, जितने ब्लॉगर्स को मैं जानता हूँ, अच्छे बड़े बड़े ब्लॉगर्स भी वो खुद का कैमरा खुद ही हैंडल करते हैं ज़्यादातर, लेकिन जब कोई सीन आता है जिसमें आपको खुद को दिखाना हो दूर से, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कैमरा सेट करके ही कर लेता हूँ। बट अगर वो भी ऑप्शन ना हो, कभी वो चीज़ भी काम नहीं कर पाती, तो बुआ मेरे साथ होती है यहाँ पे, तो बुआ के हाथ में रहता हूँ। इंडिया में मेरे साथ कोई फ्रेंड्स होते हैं जो एक्चुअली प्रोफेशनल है तो वो तो कर लेते हैं, पर बुआ जो है उनको मेरे को बताना पड़ता है कि बुआ ये ऐसा है, इसको ऐसे लेना और उसके मेरे साथ साथ में ऐसे ऐसे चलना थोड़े दूर दूर तक, और फिर वहाँ पे आके रुक जाना, फिर वहाँ पे एक काम करो आप नीचे थोड़ा बैठ जाओ, नीचे बैठ के ऐसे लो। तो जितने भी यहाँ के अमेजिंग शॉट्स आपने देखे हुए वो सारे बुआ ने लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफ यू वेर अ गर्ल, शॉकिंग इमोजी, आंखें इधर, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, लॉल, लाफ इमोजी। ओके, अगर मैं लड़की होता तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस दो तीन चीज़ों का फ़र्क रहा होता, एक कि मेरे YouTube पे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होते अभी से, और दो मेरे Instagram पे फॉलोअर्स ज़्यादा होते अभी से, और कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। यही सच्चाई है भाई, लड़की भी होता तो मैं यही कर रहा होता। क्वेश्चन, यूट्यूब पे ग्रो कैसे करे? यार अभी तक तो मैं खुद ही ग्रो नहीं हुआ हूँ, आई एम ग्रोइंग एक्चुअली, अगर मेरी मानो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जस्ट बी कंसिस्टेंट, कीप इवॉल्विंग एंड गेटिंग बेटर, क्योंकि आप अगर एक ही जगह पे अटक जाओगे और उसी तरीके का कंटेंट पोस्ट करते रहोगे, और यू नेवर नो कि आपकी ऑडियंस को क्या पसंद आ सकता है, ठीक है, आपके पास कैसी ऑडियंस है, और आपको इसलिए आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा, हर चीज़ को लेके एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा, आपको रिस्क लेने पड़ेंगे, अपने वीडियो में बदलाव करने पड़ेंगे, आपको अलग अलग चीज़ें डालनी पड़ेंगी, तब जाके आप कहीं ग्रो हो सकते हो, और कंसिस्टेंट रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये सारी चीज़ें करते हुए भी, तो दैट इज़ द की इफ़ यू वांट टू ग्रो। कुछ ढंग का कब बनाना शुरू करोगे व्लॉग्स तुम? तो सब्जी लेने का व्लॉग बनाते हो, कुछ अच्छा कर। ये दिस इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम आई एम पुटिंग अ हेट कमेंट एंड आई एम गिविंग अटेंशन टू अ हेट कमेंट, लेकिन ये देना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मेरे पहचान के वो अभी क्रिएटर बन रहे हैं, तो दिस इज़ हाउ आई हैंडल स्टफ्स, जब पहली बार हुआ था तब से लेके अभी तक। तो ऐसा है कि जब आप नए नए क्रिएटर होते हो ना, तो आप बड़े मासूम होते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि अभी कोई हेट कमेंट मारेगा तो मैं अपने प्यार से, जो मेरे अंदर प्यार भरा हुआ है, वो मैं जाके उसके कमेंट में रिप्लाई दूंगा और मैं उसको बदल दूंगा, मतलब हृदय परिवर्तन कर दूंगा मैं उसका। पर ऐसा नहीं है, तभी तो आप मासूम है ना, तो वो लोग जो उनको चाहिए होती है खाली अटेंशन, इसको चाहिए थी अटेंशन, मैंने दे दी भाई, खुश है, बस दो चार सब्सक्राइबर बढ़ा देना, खुश किया ना तेरे को मैं, किया ना। एग्जाम्पल के तौर पर एक कोरियन बैंड है जिसके हजारों लाखों फॉलोअर्स है दुनिया में, लड़कियां पागल हो रही है उनके पीछे, कॉन्सर्ट की टिकटें नहीं मिलती उनकी, इतने पूरा भर जाते, बड़े बड़े ब्रांड्स करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार है उनकी शक्ल अपने ब्रांड पे लगाने के लिए, मेरे को वो कुछ इतने खास पसंद नहीं है। पर एग्जांपल के तौर पे कोई एक है लवर बॉय _69, एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको उनकी शक्ल गधे जैसी लगती है, तो अब उनको क्या ही फर्क पड़ रहा है इसको उनकी शक्ल गधे जैसी लगती है, तो वो तो अपना काम करते रहेंगे, वो तो पैसा कमाते रहेंगे, लोग फिर भी उनके पीछे पागल है। तो ये जो है लवर बॉय _69, उसके ओपिनियन का इनके लाइफ पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आप जब नए नए होते हो ना, जब आप छोटे मच्छी होते हो, छोटे मच्छी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब आप बड़े होकर शार्क मच्छी बन जाते हो ना, तब भाई बहुत बढ़िया, थैंक्स फॉर कमेंटिंग, एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए शुक्रिया। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस, अगली बार ज़्यादा सब्सक्राइबर्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस लेके ज़्यादा अच्छा Q&A बनाएंगे। ये फर्स्ट टाइम था लाइव का Q&A सेशन, थैंक यू, थैंक्स फॉर द 300K, ओ माय गॉड 300K नहीं 3K, ये आदत अभी से पड़ रही है 300K बोलने के, बताओ बंदे को इतना कॉन्फिडेंस है। थैंक्स फॉर 3K सब्सक्राइबर्स, थैंक्स अलॉट। और ये जो मुंह मोटा हो रहा है, ये आप क्या सोच रहे हो कैसे हो रहा है, घर पे बैठे बैठे? नहीं भाई साहब, ये खा के ये पी के